तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हल्क की कुछ ऐसी फाइट्स के बारे में जिसमें उसका सामने वाला एंटागनिस्ट जायंट था, लेकिन हल्क तो सिर्फ हल्क भिड़ गया। और वन थिंग अबाउट डॉक्टर स्ट्रेंज दैट मेक हिम मोर पावरफुल देन थोर। एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन और उसके रोबोट्स और काफ़ी हद तक हल्क बस्टर को हल्क ने अकेले ही पछाड़ दिया था। अब बात करी जाए थोर रैग्नारोक की, तो थोर रैग्नारोक में फेनरिस वुल्फ और जायंट एंटागनिस्ट सर्टर से भी अकेले ही भिड़ने चला गया था हल्क। इन दोनों से तो भिड़ा ही भिड़ा था ये, इसने थोर को भी धोई पछाड़ दी थी भाई, देखने लायक था वो सीन। लोग कहते हैं कि हल्क को वीक दिखाया जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, लेकिन विलेंस के सामने हल्क को पावरफुल दिखाया जाता है। कभी सुपर हीरो के सामने टक्कर की जाती है हल्क की, तो वहाँ पर उसको हरा दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है हल्क उसकी पूरी पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे मार्वल वाले हल्क की, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास उसके पूरे भी राइट्स नहीं है। यूनिवर्सल वालों के पास हल्क के पूरे राइट्स हैं, शायद इस वजह से वो उसकी पोटेंशियल नहीं दिखाना चाह रहे हो। अभी तक किसी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो भी फिल्म्स आई हैं अभी तक, उसमें किसी मूवी में किसी सुपर हीरो से लड़ते हुए हल्क की पूरी पोटेंशियल दिखाई नहीं है अभी तक, उसको हरा दिया जाता है। हल्क बस्टर से हार जाता है वो, और तो और हर सुपर हीरो से हारता हुआ दिखाया उसको, लेकिन सुपर विलन्स के सामने वो अच्छा खासा टिक पाता है। अब बात करूँ मैं डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा सुपर हीरो जिसने इन्फिनिटी वार में थाने उसको कड़ी टक्कर दी थी। हाँ मैं जानता हूँ थोर ने भी दी थी, लेकिन थोर ने कड़ी टक्कर जब दी थी जब उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर आ गया था, उससे पहले नहीं दे पा रहा था वो, और आयरन मैन भी बेचारा नहीं कर पाया कुछ, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने कड़ी टक्कर दी। फिर हम तो ये बखूबी जानते हैं कि आयरन मैन भी कभी पीछे नहीं हटाया, अपनी जान तक कुर्बान करके उसने पूरे अर्थ को बचाने के लिए रेडी रहा है वो, और एंड में उसने किया भी वैसे ही। एंड गेम में उसने अपना सेक्रीफाइस करके सबको बचाया और आज सब उसकी पूजा करते हैं, ये भी हम बखूबी जानते हैं क्योंकि हमने फार फ्रॉम होम में देखा है कि आयरन मैन को पूरी दुनिया कितना मिस कर रही है। साथ ही साथ आयरन मैन नहीं, इसके साथ में हमारी ब्लैक विडो का सेक्रीफाइस भी हमें याद रहेगा।